बुरे लोग अपनी खुदगर्जी और कठोरता की वजह से सत्य के मार्ग पर चलने वालों पर चारों तरफ से हमला करते हैं। इस अंधकार की गहराई से उन अच्छे लोगों को बाहर निकालने वाला पुण्यात्मा हो जाता है। हमसे भी कोई ज्यादा शक्तिशाली कोई हमसे टकराने आ जाए तो उससे लड़ने का एक सलीका होता है। क्या फिल्म में दिखाया गया है गॉडफादर को डेविल? क्या फिल्म को जोड़ा जाएगा इल्यूमिनाटी से? क्या चिरंजीवी कर पाएंगे मोहनलाल की परफॉर्मेंस को मैच? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बालिक रेड स्टूडियोज में। कुछ फिल्म की कहानी इतनी खास होती है कि लोग उसके अंदर दिए गए हिडन मैसेज को ढूंढ नहीं पाते, और जब ढूंढ लेते हैं तो इस फिल्म का मजा और भी दुगना हो जाता है। ऐसी ही एक फिल्म की बात आज हम करेंगे इस वीडियो में, पर उससे पहले एक सवाल, क्या आपको पता है इल्यूमिनाटी के बारे में? दरअसल कहा जाता है कि पूरी दुनिया में इल्यूमिनाटी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया की बुराई से लड़ते हैं, और वो एक डेविल के नक्शे कदम पर चलते हैं। और फिर फिल्म लूसीफर में हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिला है, जिसका ऑफिशियल रीमेक बनने वाला है गॉडफादर। ऐसे में हमें फिल्म गॉडफादर में चिरंजीवी वो डेविल के रूप में देखने को मिलेंगे, पर ये डेविल दुनिया से काले कामों को मिटाने में लगा है, और बुराई से लड़ने के बीच गॉडफादर एक ऐसा जरिया है जो कि सभी कामों के पीछे हमें देखने को मिलेगा। पर बात करें फिल्म के अंदर इल्यूमिनाटी की, तो इसे एक हिडन कहानी की तरह रखा जाएगा ताकि लोगों को कहानी में और भी इंटरेस्ट आए। ऐसे में हमें फिल्म की कहानी में और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि फिल्म के अंदर हमें सभी गाड़ियों पर एक स्पेशल नंबर देखने को मिल सकता है जो कि इल्यूमिनाटी और डेविल से जुड़ा है, और ये नंबर हमें फिल्म में कई बार और कई जगह देखने को मिल सकता है, क्योंकि फिल्म के ओरिजिनल वर्जन में भी हमें ये सब देखने को मिला था। हमें फिल्म में एक हिडन कैरेक्टर भी देखने को मिल सकता है जिसको देख के डेविल वाली फील आएगी, पर रियल डेविल फिल्म में गॉडफादर ही देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमने बताया, फिल्म गॉडफादर मलयालम फिल्म लूसीफर की ऑफिशियल रीमेक होने वाली है, पर बात करें फिल्म के ओरिजिनल वर्जन की तो उसमें हमें मेन लीड में मोहनलाल दिखाई दिए थे, जो कि साउथ इंडस्ट्री के एक जाने माने चेहरे हैं, और उनके नाम से ही फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाती है, और इस फिल्म में उनके रोल को टक्कर दे पाना थोड़ा सा मुश्किल है। जब फिल्म के रीमेक की बात हुई तो लोगों ने ये पहले ही बोल दिया कि मोहनलाल की जगह कोई नहीं ले सकता, पर चिरंजीवी भी एक ऐसा नाम है जो कि साउथ नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा के एक ऐसे सितारे हैं जिन्होंने कई ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस दी हुई है। ऐसे में हमें गॉडफादर में भी चिरंजीवी का ये अंदाज देखने को मिल सकता है, और हमें गॉडफादर भी एक नया मुकाम हासिल करते हुए दिखाई दे सकती है। ऐसे में अगर आप भी पाना चाहते हैं सिनेमा में हर मुकाम, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। आपको क्या लगता है, क्या फिल्म में गॉडफादर करेंगी मलयालम फिल्म लूसीफर को भी पीछे? कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।